हेलो एवरीवन, मेरा नाम सर, अस्सलाम वालेकुम, मेरा बिशन, आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। और आप सबका शुक्रिया, प्यार देने का, मोहब्बत देने का शुक्रिया। आज की वीडियो लेकर वो भी प्यार देना जो हम चाहते हैं। हाँ भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करो, क्योंकि बहुत ज्यादा व्यूज की जरूरत है, बहुत बुरे व्यूज है। आज वीडियो लेकर आए, इसमें देखने वाले एक लड़की है भाई, जो हॉर्स चला रही है। आपको पता है भाई, इनकी पहले भी एक वीडियो जिसमें ये रॉयल एनफील्ड चला रही थी, आज ये जो है ना घोड़ा चलाना सीखने लगी है। और मुझे घोड़ा चलाना बहुत ही ज्यादा, मतलब एक मेरा ड्रीम है, जैसे रॉयल एनफील्ड चलाना मेरा ड्रीम है ना, ऐसे ही ये हॉर्स चलाना भी मेरा दिल करता है। दो चीजें हो मेरे पास, एक रॉयल एनफील्ड और एक हॉर्स, गड्डी पाए हुए ना हुए। तो ऐसा करते देखते हैं वीडियो, कहीं तक देखना चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, देखते हैं आज फिर चलिए। आपके आ जाने से, आपके आ जाने। ओए होए, क्या बात है ना, बंदा ना ना ना, आओ क्या बात है। हरी हो या हो पर यो की रानी, यार ये तो बहुत सफल आ रही प्रेम कहानी। हाय हाय, मजा। राम राम सीताराम सबको, गुड इवनिंग। तो अभी मैं ना रामदेव की बाइक को थोड़ा सा अच्छे से क्लीन करने में हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि अभी हम जाने वाले हैं घोड़ी लेके। रामदेव आज दूसरी बार मुझे तोरल की राइडिंग करवाने दे रहा है, मतलब अभी डे टू प्रैक्टिस का होगा। हमने जब ट्राई किया था लास्ट टाइम उससे पहले, अभी रामदेव कर रहा है सामान रेडी कर रहा है तोरल को। तो ओम अभी यहाँ पे घर पे रहने वाला है। तो आज इतना लंबा राइड में नहीं लेके जा रहे तोरल और मेरा, सिर्फ छोटा सा ट्रेनिंग सेशन है। हमारे बॉस और हमारे ट्रेनर और हमारे पति परमेश्वर रामदेव के साथ, और कैमरा मैन है राजू भाई। बस टोरल बहुत ही अच्छी बच्ची है, अभी बैठने में हेल्प की जरूरत पड़ेगी। टेकड़ा पक दे दी, तो बहुत उसी लग रहा है वहां कर तो यो हमारा की ना ना जो है सड़ाई जाए तो कहीं मन तो नहीं हो। टेकड़े एक पग पुग हो जाए, टेकड़े तो पुग ही जाए। नहीं सड़े यहाँ पे, अभी ये ना शिवानी से तो बहुत ज्यादा ऊंची लग रही है, और अभी मेरी आदत भी छूट गई है। हाँ, तो अभी हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब अभी मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। टोरल है 60 प्लस, और हाइट ये होता है कि भारती को अभी थोड़ा भारती का वेट बढ़ गया, और इतनी आदत नहीं होती, और मेरी भी हाइट कम ही है, मेरी और भारती की सेम है ऑलमोस्ट हाइट, तो इसकी वजह से मुझे भी जंप करके मैं अभी चढ़ता भी नहीं हूँ। पहले कूद जाते थे किसी भी घोड़े पे, अभी तो क्या है कि यहाँ पे पांव रख के, लेकिन मुझे रोज की आदत है, लेकिन भारती को अभी धीरे धीरे वो सीख जाती। शिवानी के ऊपर तो मैं चढ़ जाती थी, लेकिन ये इसकी शिवानी से ज्यादा कम थी ना, शिवानी की हाइट बहुत कम थी। शिवानी कुछ जगह छोड़ नहीं है, हाँ हो गया तो शिव अभी सो रहा है ना, तो छोटा राइडिंग करके आते हैं। ये आसान हो गया, ये बहुत आसान है। अब इसको खींचना नहीं, थोड़ा लंबा है, थोड़ा ऐसे ही नॉर्मल स्मूथ पकड़ के चल। एक मिनट, हां मैं पैर थोड़े लंबे नहीं है ना, कोड यहां लंबिया नहीं है, जरा कूदते हैं खरी मंड लगभग के, चल भाई जरा कोई बात पानी ना थाई पास खाली बार ले, बस 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 लगाम मुक दे ना, इतनी ना करता हो जैसे नॉर्मल लगाम पकड़े देख। हाँ, पकड़ी है डाउ डा कोड़ा है, एक काम करने का दो ले ले बर बर के वाली नी के देखे जाए तो हल दो ले लेती जा रही यार, वेला पेट डाल रही है। हाँ, दो तो भी दो रही है, दो ले भी बड़ी मुश्किल आ गई जड़ी सी है। तो अभी ना मैं वहां तक लेके जाती हूँ, क्योंकि सीव उठा है, सीव देख लेगा ना तो फिर मुंडा उठ गया, उन्होंने मुंडा उठ गया, उन्हें ना खाना लो घर उनके अंदर से चले।
है, क्या बात बताए। ખાલી દરી અડાડ રાખજે એટલી ઝીણી ઝીણી હાલવા માંડી બે હજાર બે હજાર દરી અડે જ આવી જાય લગામ ટાઈ હા જો પગું વારવા માંડી આગળ લે આ લેફ્ટ હેન્ડ હેક ઈ તઈ કરી હે ઘડીક વાર દસ ના લા જાય થોડા પાણી अब सही चास है ना अरे पकड़ रख दिए इतना ज्यादा हल्ला काम कुछ दिन हम जाएगा ना हां तेज है तो दम यहां नहीं मारो तेज तो दम क्या करिए निकाल के हां ये साइड तो था नहीं है बंदा मोरे हो रहा है कि तेजी तेज जान दिया है नठन दिया खुश है वो तो सही हो ना आ गया चला रहा लगन डिलीट ना मुक्ति दौड़ भी ना जाए हां ए हालो हालो करमा अच्छी नहीं पक्की है मम्मी फोटो हालो हालो करने इतनी हालो हालो करना अरे ये छोड़ा एक फेरा लगे बस मापनी लगन फुल टाइट ताने रखवा हाय हाय वाह क्या मजा ही हुई बम पाउन जा रहा है ये हम नहीं जानते हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे आज ना एक दिन से बहुत ज़्यादा लंबा चली हाँ अभी आज क्या है नॉर्मली ना हॉर्स राइडिंग में ऐसे खुले बाल और वो सब नहीं चलता लेकिन आज वाह सोनी
सुनने का मैंने मना किया क्योंकि इसको ये निकल जाते हैं तो फिर, लेकिन अच्छा चली रामदेव सच में। अभी जाते टाइम मैं चुन्नी को दुपट्टे को अच्छे से बांध लेती हूँ, इसको सामान करना है। अभी घोड़ी का सामान भी हो रहा है तो मैं भी दुपट्टा अच्छे से बांध लेती हूँ ताकि जाने में मेरे। आप सबने कितना मजा आया, मुझे तो देख के मजा आ गया। जब बैठूंगी तो पता नहीं, वैसे मैं हम कराची गए थे ना, वहां पे मैं बैठी थी हॉर्स के ऊपर, तो मुझे ना काफी ज्यादा अच्छा लगा था। और इतना थोड़ा बहुत ना वो बंदे ने बताया भी था कि इसको किस तरह से चलाना, तो बोलते इस साइड से खींचो तो वो इस साइड पे चलने लगता है, उस साइड को करो तो उस साइड को, और थोड़ा सा तेज करना हो तो उसको ऐसे दोनों साइड से पकड़ के थोड़ा सा करते हैं तो वो थोड़ा तेजी से दौड़ने लगता है, और रोकना हो तो फिर इस तरह से पकड़ के करते हैं तो फिर वो रुक जाता है घोड़ा। तो लेकिन ये लड़की तो भाई बहुत ही अच्छे तरीके से मी घोड़ा चला रही थी। आपका दिल करता है कभी बैठने का? ना 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 मैंने मरना है, ना ना मैंने मरना है मैं। अच्छा आप हम देश का बोले हैं, कहाँ पे बैठी थी फिर आप? कराची कहाँ पे बैठी थी? कराची बैठी थी मैं ऊंट पे, ऊंट के ऊपर अम्मी बैठी थी। मुझे डर लग रहा था, अम्मी ने मुझे ऐसे जोर से पकड़ा था, मैंने कहा अम्मी बैठो आप भी मजा आएगा। तो हम दोनों बैठे थे, वो ऊंट ऐसे 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 ऐसा ऐसा चल रहा था, लेकिन अम्मी बड़ा डरती है मेरी ना। एक तो समंदर कभी नहीं देखा था, वो देखा तो उससे डर अम्मी को लगे, वो छल्ला आया ना तो अम्मी के ये कहीं हमें भाग ही ना ले जाए। अम्मी अम्मी ने मुझे जोर से पकड़ लिया वहां पे भी, और हॉर्स पे तो मैं बैठी थी लेकिन अम्मी मेरी नहीं बैठी। लेकिन यार मुझे सच में व्हाइट कलर का और ब्लैक कलर का जो हॉर्स होता है ना, सही ऊंचा लंबा जवान है यार, उस पे बैठ के बंदा राइड कर रहा हो तो क्या मजा आता है, सच में चस आ जाती है। लेकिन मैंने कभी किसी लड़की को ऐसे रियल में चलाते हुए ना हॉर्स नहीं देखा कि मतलब कोई लड़की के पास हॉर्स हो तो एक तो मुझे रॉयल एनफील्ड, इनके पास जो भी मुझे चीजें पसंद है ना वो इनके पास मौजूद है, एक रॉयल एनफील्ड है और एक हॉर्स है, वो दोनों चीजें इनके पास अपना शौक भाई ये सही पूरा कर रहे हैं, सही मजे हैं इनके। तो मेरे कभी ये मजे होंगे मुझे भी बता दे, रॉयल एनफील्ड कब भेज रहे हो ये भी बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं इनको बोलो ना मुझे भेजे। कैसे भेजे बेचारे, हमें वीजा नहीं भेज सकते, ये कैसे भेजे? वीजा मिलेगा तो फिर इमोर्टल। अच्छा जी चलो पहले वीजा भेजो फिर बाद में रॉयल एनफील्ड भेज देना, सही है। हम आएंगे हम खुद ही आपसे ना ले जाएंगे पकड़ के अपने कंट्री में रॉयल एनफील्ड लेंगे आपसे, कोई कुछ चीजें लेंगे। नहीं वो हमें गिफ्ट तो देंगे ना, तो फिर गिफ्ट तो कहा कभी उसने? हाँ वो कहते हैं कि आपको हम गिफ्ट भेजना चाहते हैं, आप एड्रेस बताए, फिर वहां से आता नहीं है ना मी, वहां पे ऐसे अगर आएगा भी ना तो दुबई से होगी यहाँ पे, अगर वो चीज उतने की नहीं होगी जितना उस पे, हमें इधर पैसे देने पड़ेंगे। हाँ हमें भी देने पड़ेंगे, ऐसा सीन हो जाता है तो नहीं हो सकता ना। लेकिन वीडियो काफी अच्छी थी, बड़ा मजा आया, आपको कैसा लगा बताना, कभी हॉर्स राइडिंग की है वो भी जरूर बताना। फिर मिलता है।